भारत सरकार ने तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की है। इस योजना को लेकर देश में कई राज्यों में उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध का एक मुख्य कारण ये भी है इस योजना की पूरी जानकारी ना होना। सरकार का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत भारत के युवाओं को आर्म्ड फोर्सेस के बतौर अग्निवीर सेवा में मौका देने का है। इस योजना को लेकर कई तरीके की बातें की जा रही हैं और जानकारी के अभाव में लोग इसके विरोध में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस योजना के पीछे भारत सरकार का उद्देश्य देश की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत बनाने की है। उसके साथ साथ ही युवाओं को मिलिट्री सर्विस में अपनी सेवा देने का अवसर देने की भी। इस योजना से जुड़े कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है जिस पर भ्रम होने की वजह से इसके विरोध में लोग सामने आ रहे हैं। जिन युवाओं को भी आगे पढ़ने की इच्छा होगी उन सभी के लिए 12वीं कक्षा के समक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिनको आगे पढ़ने की रुचि होगी उनके लिए ब्रिजिंग कोर्स का प्रबंध होगा। जिन युवाओं को नौकरी करने की इच्छा होगी उनको CAPS यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वालों तथा राज्य पुलिस में भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। और अगर इन युवाओं को अपना बिजनेस करने की चाह हुई तो उनको केंद्रीय पैकेज और बैंक से लोन का प्रावधान भी है। अगर इस योजना को लेकर आपके अंदर भी कुछ इस तरीके का सवाल है तो आपकी सोच एकदम गलत है, बल्कि अग्निपथ योजना के आने की वजह से युवाओं के लिए सेना में नौकरी और मौके पहले से ज्यादा बढ़ जाएंगे। भविष्य में सेना में अग्निवीरों की भर्ती वर्तमान से 3 गुना तक ज्यादा बढ़ेगी। अगर आपके अंदर भी देश के प्रति एक भावना है और आप भी इंडियन मिलिट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने इसके बारे में भी खूब पढ़ा होगा, चाहे वो रेजिमेंट की वॉर क्राई हो या उनकी वॉर स्टोरीज। अगर आपके अंदर भी रेजिमेंट के भाईचारे को लेकर सवाल है तो ये डर गलत है। अग्निपथ योजना के आने के बाद भी रेजिमेंट व्यवस्था पहले जैसे ही चलती रहेगी, इसमें किसी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अग्निवीरों के चयन की वजह से ये और भी मजबूत होगी तथा इससे यूनिट के अंदरूनी तालमेल को बेहतर करने में मदद मिलेगी। दुनिया में ये पहली बार नहीं है कि किसी देश ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए 4 साल की भर्ती योजना चालू की है। अग्निपथ योजना से पहले कई अन्य देशों ने इस तरीके की योजनाएं चालू करी हैं और उन देशों में ऐसी योजनाओं को युवाओं और सेना के लिए बहुत बेहतरीन व्यवस्था माना जाता है। आपको बता दें कि पहले साल में अग्निवीरों में भर्ती होने वाले युवाओं की संख्या आर्म्ड फोर्स की संख्या की 3% होगी। वहीं इसके 4 साल बाद सेना में दोबारा भर्ती से पहले अग्निवीरों द्वारा किए गए उनके प्रदर्शन का आंकलन होगा। इस प्रक्रिया के बाद भारतीय सेना को सुपरवाइज करने के लिए और एक्सपीरियंस्ड लोग मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।